वेलकम एवरीवन साथियों, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये आपको पता है निटर एसओ का एग्ज़ाम आपका कब होना है, और सुपरिंटेंडेंट जो आपका आईआईटी रोपड़ का है वो एग्ज़ाम आपका 13 नवंबर को होना है। ये आई थिंक 19 नवंबर को है, ये 13 नवंबर को। तो पहले आपका एग्ज़ाम आता है आईआईटी रोपड़ के लिए, तो बच्चों के ईमेल्स के अकॉर्डिंगली प्रीवियस पेपर जो है यानी 2023 का जो पेपर है आईआईटी रोपड़ का, वो हम प्लस मेंबरशिप वाले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है और उस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस टेलीग्राम का लिंक। बाकी क्या होगा, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद फाइनल रिजल्ट के बाद इस टेलीग्राम ग्रुप को हम कर देंगे डीएक्टिवेट। तो जो मेन ग्रुप है वो हमारा एक्टिव रहेगा मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन है जो आज आपके साथ हमने शेयर की है उस टेलीग्राम ग्रुप में, जो पीडीएफ्स हैं हमारे सीसीएस रूल्स, ठीक है, सीसीएस रूल्स की जो पीडीएफ हैं 1 से लेके 23 तक, हालांकि ये 24 पीडीएफ्स हैं, बिकॉज एक एक क्लास नंबर 18 है, एक क्लास 18A है, तो ये 18 नंबर ही रहेगा, तो इसीलिए आपको 1 से 23 तक ये देखने को मिली है। तो ये वीडियो जो वीडियोस हैं जो आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे देखी हैं, इसकी पीडीएफ हमने इस चैनल पे शेयर कर दी है। तो प्रिपरेशन के लिए आप गूगल फॉर्म को चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। बाकी आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एफआर के बारे में, ठीक है। तो एफआर होता क्या है, एफआर होता है आपका फंडामेंटल रूल। क्या होता है, फंडामेंटल रूल्स। तो ये जो एफआर है हमारे कंटेंट होते हैं सीसीएस रूल्स के हिसाब से सर्विस रेगुलेशंस में, ये ना लिंक होते हैं एक दूसरे से। कैसे लिंक होते हैं, जैसे आप देखोगे पे का अलग से रूल है तो पे का इसमें भी जिक्र मिलेगा, अटेंडेंस का अलग से रूल है अटेंडेंस का इसमें भी जिक्र मिलेगा, रिटायरमेंट के रूल्स होते हैं रिटायरमेंट का इसमें डिस्कशन मिलेगा। यानी ये फंडामेंटल है, जैसे होता है ना हमारे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, तो उस तरीका से जो उस तरह से हमें ये मौलिक रूल देखने को मिलते हैं। क्लियर। बात क्या होगी, इसके अंदर जो चैप्टर होते हैं फंडामेंटल रूल के अंदर आपके टोटल चैप्टर होते हैं बच्चों 13। कितने चैप्टर होते हैं, 13 चैप्टर होते हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर का बेसिक बेसिक आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो चैप्टर 1 है वो ये बताता है ये कहां कहां अप्लाई होता है। चैप्टर 2 है वो आपको डेफिनेशंस मिलेंगी इसके अंदर देखने के बारे में, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 3 है वो आपको जनरल कंडीशन की बात बताता है, जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस, कि आपने जॉब किस हिसाब से करनी है उसकी क्या कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगा। रूल नंबर 4 के अंदर आपको पे के बारे में मिलता है, सॉरी चैप्टर 4, ये दीज ऑल आर चैप्टर्स। चैप्टर 5 में क्या होगा, चैप्टर 5 में मिलेगा आपको एडिशन टू पे। पे का 4 में है और एडिशन टू पे का आपका 5 में है। 6 नंबर चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स। क्या पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स। चैप्टर 7 की अगर बात करेंगे तो 7 में आपको देखने को मिलेगा डेपुटेशन, लेकिन ये कौन सा डेपुटेशन है, आउट ऑफ इंडिया, डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये फंडामेंटल रूल 50 से 51 में ही इसका जिक्र है बस, एफआर कौन सा 50 और एफआर 51, ठीक है। 7 आपको पता लग गए चैप्टर्स। 8th चैप्टर क्या है आपका, 8th चैप्टर में हम बात करते हैं आपका डिसमिशल की, ठीक है, रिमूवल की और सुपर एनुएशन की, सॉरी सस्पेंशन की, और किसकी बात करते हैं, सस्पेंशन की। चैप्टर 9 के अंदर बात हो जाती है रिटायरमेंट के बारे में, और रिटायरमेंट के भी 2 ही रूल हैं 56 और 57, ठीक है। चैप्टर 10 में क्या पढ़ते हैं, लीव के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 11 में क्या पढ़ते हैं, ज्वाइनिंग टाइम के बारे में पढ़ते हैं, ज्वाइनिंग टाइम। चैप्टर 12 में फॉरेन सर्विस की बात होती है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, फॉरेन सर्विस और एक डेपुटेशन आउट ऑफ, यहां पे नोट कर लो इस चीज को, नोट करने वाली जो चीज है, डेपुटेशन आउटसाइड इंडिया, तो फॉरेन ही हो गया ना ये, बट ये डेपुटेशन है,
आउटसाइड इंडिया। तो ये हमने चैप्टर 7 के अंदर बात की है इसके बारे में, चैप्टर 7। और अगर फॉरेन सर्विस की कंप्लीट बात करा जाए तो चैप्टर 12 के अंदर आती है। चैप्टर 13 में क्या है? 13 में है आपका सर्विस अंडर लोकल फंड्स। आपके सामने चैप्टर्स हैं 1 से लेके 13 तक। हर एक चैप्टर का आपको पता है कि एटलीस्ट टाइटल पता होना चाहिए, पेपर में अगर पूछते हैं तो टाइटल सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। टोटल चैप्टर कितने? 13। अच्छा, अब जो बेसिक बात है जो हमने सबसे पहले करनी थी, जो बेसिक्स है किसका? FR का, वो ये है, ये आए कब, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया विद इफेक्ट फ्रॉम या आए कब, तो कब आए, आंसर भी बन जाएगा यहीं पे। ये बनेगा बच्चों 1/1/1922 को, ठीक है। 1 जनवरी 1922 को ये विद इफेक्ट हुई, फंडामेंटल रूल्स। तो जो क्वेश्चन बनता था आपसे हमने बता दिया यहां पे, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन रिवाइज करा दें। सीसीएस के जो पेंशन रूल है, एक तो 1972 है, एक आपका 2021 है। तो 2021 विद इफेक्ट फ्रॉम कब से हुई ये आपने बताना है। ये हुए थे आपके 20 दिसंबर 2021 से। कब से हुई? 20 दिसंबर 2021 से हुई। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन है सीसीएस के जो टेम्परेरी सर्विस के रूल्स है, टेम्परेरी सर्विस रूल्स। अच्छा, ये कब आए आपके? ये आए 1965 के अंदर। लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया सीसीए रूल्स, क्लासिफिकेशन कंट्रोल वाले जो रूल है आपके सीसीएस के, ये भी साथियों आपके 1965 में ही आए, ठीक है। ये भी आपके 1965 में आए, इस तरह से आपने याद रखना है। क्लियर हो गया? अब कुछ चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रूल्स के बारे में, ठीक है। कौन कौन से फंडामेंटल रूल्स के बारे में? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रूल्स। तो जो आपका FR1 है, यानी फंडामेंटल रूल नंबर 1, ये क्या कहता है? ये यही कहता है कि ये कब आई, ठीक है, यानी केम इनटू फोर्स, ये इसके बारे में ही बताता है। तो कब आए? 1 जनवरी 1922 को आए, ठीक है। फंडामेंटल रूल नंबर 2 क्या बोलेगा? 2 बोलेगा कि भाई ये किस पे अप्लाई होते हैं। तो किस पे अप्लाई होते हैं? ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे अप्लाई होते हैं ये, जो आपके सिविल सर्विसेज में आते हैं, यानी सिविलियंस जो होते हैं उन पे, सब पे ये अप्लाई होते हैं आपके फंडामेंटल रूल्स। तो फंडामेंटल रूल्स अप्लाई टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट हुज पे इज डेबिटेबल टू सिविल एस्टिमेट्स, ठीक है। मतलब डिफेंस को छोड़ के जिन सब की सैलरी आपकी सिविल एस्टिमेट से आती है तो उन पे ये एप्लीकेबल होते हैं, याद रखना है, सिविल एस्टिमेट से जिनकी सैलरी आती है। हो गया फंडामेंटल रूल नंबर 2। 3 यही बात बोलता है जो मैंने आपको अभी 2 में बताई, कि ये जो अप्लाई तो होते हैं लेकिन ये आर्मी और आपका जो नेवी है, यानी मरीन रेगुलेशंस है, उन पर अप्लाई नहीं होते। कहने का क्या मतलब है? दीज रूल डोंट अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट हुज कंडीशन ऑफ सर्विस आर गवर्न्ड बाय आर्मी मरीन सॉरी आर्मी और मरीन रेगुलेशंस, ठीक है। तो आर्मी और मरीन रेगुलेशन पे ये लागू नहीं होते हैं, ये आपने नोट कर लेना, पेपर में पूछा जाएगा फंडामेंटल रूल नंबर 3 के बारे में, ठीक है। अच्छा, 4 और 5, तो फंडामेंटल रूल 4 और 5 ये क्या है? ये आपके है ही नहीं, यानी ये डिलीटेड है। तो मुझे लगता है उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत है, समझने की कोई जरूरत है, ठीक है बच्चों। समझ में आई आपको ये बात है? बेसिक बेसिक आपको चीज पता लगी। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, वो रहेगा हमारा फंडामेंटल रूल नंबर 8।
फंडामेंटल रूल नंबर 8। इसको समझाने से पहले एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द पावर, समझना इस क्वेश्चन को अच्छे से, पावर ऑफ इंटरप्रीटिंग इंटरप्रीटिंग फंडामेंटल रूल्स, फंडामेंटल रूल्स इज रिजर्व्ड टू द, यहां पे ब्लैंक है, आपको ऑप्शंस दे देते हैं। ये एचओडी है आपका, ये आपका हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर, ये आपकी आ जाएगी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, और फोर्थ पे आ जाएगा आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका प्रेसिडेंट था। कहां पे आया ये पेपर क्वेश्चन? ये आया आपका एम्स के डबल एओ के एग्जाम में। ठीक है, एम्स के डबल एओ के एग्जाम में, आई थिंक 2022 या 23 का ही क्वेश्चन है ये, डबल एओ के एग्जाम। क्लियर हुआ? अब ये क्या है? यही है आपका फंडामेंटल रूल नंबर 8, इसलिए इसको भी नोट कर लेना। तो फंडामेंटल रूल नंबर 8 क्या है? पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग फंडामेंटल रूल्स इज रिजर्व टू द प्रेसिडेंट। तो ये बात आपने क्लियर याद रखनी है, क्योंकि ये प्रीवियसली आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब देखो जितनी भी डेफिनेशंस हैं, अब डेफिनेशंस जो बेसिक बेसिक पॉइंट होंगे वो आपको पता होगा, उनको हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जो चैप्टर 2 है वो आपका डेफिनेशंस ही है। ठीक है, अब कोई पूछने लगे एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपसे पूछा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर का जो पेपर में सवाल आता है ना, वो यही आता है कि किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट इनको चुनता है, तो आर्टिकल 239 के तहत चुनता है एडमिनिस्ट्रेटर को। कौन कौन चुनता है भाई? तो आंसर इसका होगा प्रेसिडेंट। किसको? एडमिनिस्ट्रेटर को। क्लियर हो गया? ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है आपका। तो एडमिनिस्ट्रेटर के बाद में जो ऐसी डेफिनेशन है जो थोड़ी सी आपको समझानी पड़ेगी, वो एक तरह से होगी अनअर्न्ड, अनअर्न्ड इनकम इंक्लूड्स। क्या क्या इंक्लूड होता है अनअर्न्ड इनकम में? तो यहां पे है बच्चों आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट्स ऑन सिक्योरिटी, जो कुछ आपने फंड या पैसे जमा किए हैं उनसे, सिक्योरिटी जो जमा की है उससे जो मिलता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम लिटरेरी कोई हो, कल्चरल हो, आर्टिस्टिक हो, साइंटिफिक हो, एफर्ट्स, उससे अगर कोई इनकम आपकी आती है, इनकम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन सपोर्ट्स, पार्टिसिपेशन इन सपोर्ट्स, सपोर्ट्स में भाग लेने के बाद अगर कोई आपकी इनकम जनरेट होती है, ये आपने सारे याद रखने हैं, ए बी सी डी ई, पांचों के पांचों पॉइंट आपके अनअर्न्ड इनकम है। क्वेश्चन भी है या आंसर भी है। कौन कौन से हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम लिटरेरी एंड कल्चरल आर्टिस्टिक या साइंटिफिक एफर्ट्स, और इनकम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन सपोर्ट्स। बैकग्राउंड में नॉइज को प्लीज अवॉइड करना, क्योंकि क्लास पॉसिबल नहीं है और ज्यादा डिले हम कर नहीं सकते, 11 वक्त का एग्जाम। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई ये बात? अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो फॉरेन सर्विस है, फॉरेन सर्विस। ठीक है, फॉरेन सर्विस डिफाइंड इन डैश फंडामेंटल रूल, किस फंडामेंटल रूल में? तो आंसर होगा फंडामेंटल रूल नंबर 7। अच्छा, डेफिनेशन क्या होती है? इन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे,
विद द सेंक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के फंड से, स्टेट के फंड से या सेंटर के फंड के अलावा जिससे आपको सैलरी दी जाती है, इस तरह के गवर्नमेंट सर्वेंट को जो सर्विस मिलती है उसको फॉरेन सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो फॉरेन सर्विस में जो सैलरी होगी वो आपकी अदर देन कंसोलिडेटेड फंड, यहां पे लिख लो अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी आप सिविलियन एम्प्लॉय हो, अगर आप जॉब कर रहे हो नेटर में, आईआईटी रोपड़ में या कहीं और, तो उसकी जो सैलरी है वो आपको कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है। लेकिन ये जो सैलरी है ना, पे है जो, वो कंसोलिडेटेड फंड से नहीं मिलती, ये बात आपने याद रखनी है बस। ठीक है, तो ये है आपका फंडामेंटल रूल नंबर 7। इसी में आपका फॉरेन सर्विस क्या है, डिफाइंड है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आता है आपका, मैं पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूं, रिकरिंग हो या नॉन रिकरिंग पेमेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, स्टेट से या आपके यूटी से, एक रिम्यूनरेशन की तरह क्या होता है वो, रिम्यूनरेशन, आपने इतना याद रखना है, रिम्यूनरेशन फॉर स्पेशल वर्क ऑफ एन ओकेजनल नेचर। ठीक है, ओकेजनल और इंटरमीटेंट करेक्टर। इसमें सिंपल एक ही बात समझनी है, कोई ऐसा रिम्यूनरेशन जो किसी काम के लिए आपको दिया जाता है सैलरी के अलावा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। ठीक है, ऑनोरेरियम। ये क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है एएसओ के एग्जाम में नेटर चंडीगढ़ के पूछा गया था, ये नेटर चंडीगढ़। बाकी प्रीवियस पेपर अवेलेबल है, आप उसमें चेक कर सकते हो, मुझे लगता आया था ये ऑनरेरियम के बारे। ठीक है, तो ऑनरेरियम की बात अगर करी जाएगी तो ये, सॉरी, ये फंडामेंटल रूल नंबर 7 नहीं है बच्चों, ये डेफिनेशंस के अंदर आता है आपका। हाँ वैसे ही कहो तो ये फंडामेंटल रूल नंबर 9 के अंदर आता है, प्लीज इसको करेक्शन कर लेना। किस में आता है, फंडामेंटल रूल नंबर 9 के डेफिनेशन नंबर 7 में। ठीक है, डेफिनेशन नंबर 7 है, इसमें आता है सर्विस, फॉरेन सर्विस की डेफिनेशन, प्लीज इसको चेंज कर लेना। ठीक है, क्लियर, ऑनरेरियम का पता लग गया। अब ऑनरेरियम क्या, ये भी डेफिनेशन ही बताई ना हमने आपको, तो डेफिनेशन वाले फंडामेंटल रूल नंबर 9, 9 में डेफिनेशन नंबर ये 10, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और निकलता है आपका, जिसमें पूछा जाता है आपसे कि मंथली अमाउंट पेड बाय द गवर्नमेंट टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन कब, जब वो लीव पर हो, ऑन लीव। तो आपने उस मंथली अमाउंट को बोलना है, वो मंथली अमाउंट क्या बोला जाएगा, तो उसको बच्चों लीव सैलरी बोलते हैं। क्या होता है वो आपका, लीव सैलरी होता है, जो 12 नंबर की डेफिनेशन है आपके फंडामेंटल रूल 9 के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखना, क्लियर हो गया। एक नया जो वर्ड है वो है, नया नहीं है, पुराना है, लीन बोलते हैं इसको, कुछ लोग लियन कहते हैं। ठीक है, लियन या लीन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट, आप सपोज करो, पहले एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, सपोज करना है आपने, आप आज की डेट में सपोज करना नेटर एएसओ में सेलेक्ट हो चुके हो। ठीक है, सिलेक्टेड, तो 2024 में सिलेक्ट हुए, 2026 में आपका क्या होगा, प्रोबेशन मोस्ट प्रोबेबली 2 ईयर्स का ही होता है, तो 2026 में आप कंफर्म्ड एम्प्लॉय हो जाओगे। तो कंफर्म्ड एम्प्लॉय के बाद कंडीशंस क्या होती हैं, जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करोगे वो एनओसी के थ्रू करोगे, यानी इसको बोलते हैं, जब एनओसी आप लेते हो तो इसको बोलते हैं हम थ्रू प्रॉपर चैनल। क्या होता है ये, थ्रू प्रॉपर चैनल, प्रॉपर चैनल से आपने अप्लाई किया, एनओसी हो गया। अब सपोज करना आपकी जॉब लग जाती है आईआईटी जूनियर सुपरिटेंडेंट रोपड़, क्लियर, ये पोस्ट आपकी लेवल 5 की है, समझना इस चीज को। अब का मतलब एक तरह से 2026 में सोचो आप इस कंडीशन को, जब आपका प्रोवेशन कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होगा, थ्रू प्रॉपर चैनल आप रिजाइन जो करोगे वो करोगे टेक्निकल रिजाइन,
कौन सा रिजाइन करोगे? टेक्निकल रिजाइन। टेक्निकल रिजाइन करने के बाद आप उसमें मेंशन करोगे कि मुझे लियन मिले। अब लियन मिले ये क्या होता है, यही समझाना है आपको। लियन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड ऑन रेगुलर बेसिस, पहली बात तो, ईदर इमीडिएटली और ऑन द टर्मिनेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ पीरियड्स ऑफ एब्सेंस अ पोस्ट इंक्लूडिंग टेन्योर पोस्ट टू विच ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस एंड ऑन विच ही इज नॉट ऑन प्रोबेशन। जब वो प्रोबेशन पे ना हो तब किसी पोस्ट को ज्वाइन करता है दूसरी पोस्ट को, तो पुराने वाली पोस्ट पे ना वो लियन होल्ड करता है, ठीक है? तो इसको लियन होल्ड करना बोलेंगे। तो लियन भी जो होल्ड करना है वो आप पे डिपेंड करेगा, आपने 1 ईयर का लियन लिया, मैक्सिमम 2 ईयर का होता है। यानी कि 2026 में सपोज करो आप IIT रोपड़ में चले गए, अब आपको लगता है आपको ठीक ना लगे 2027 में या मिड ऑफ 28, जब तक 2 साल पूरे होने से पहले आप वापस अपनी पोस्ट पे आ सकते हो ASO की, ठीक है? तो ये लियन होता है। बात ये मिलता है, ये कंफर्म्ड एम्प्लॉय तो है, ये कंडीशन बस आपने याद रखनी है कि मिलना किसको है, वो केवल कंफर्म्ड एम्प्लॉय को, ठीक है? चल मिनिस्ट्रियल सर्वेंट का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे मिनिस्ट्रियल कैडर होता है, कोई बात नहीं, आप मिनिस्ट्रियल सर्वेंट के बारे में समझो पहले। मिनिस्ट्रियल सर्वेंट का मतलब होता है ऐसा सर्वेंट जिसकी ड्यूटीज आर कंप्लीटली एंटायरली क्लेरिकल हो, जिनका वर्क क्लेरिकल हो, उसको बोलेंगे हम मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय, ठीक है? क्लियर हुई ये बात? बाकी डेफिनेशंस PDF हमारी अवेलेबल है, आप सारी की सारी डेफिनेशन एक बार देख सकते हैं, बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है? डेफिनेशंस में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वैसे हमने आपको बताई दी हैं। अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन बनता है आपका टेन्योर पोस्ट का, किसका? टेन्योर पोस्ट का ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो क्वेश्चन क्या है आपसे, सिंपल पूछा जाएगा, टेन्योर पोस्ट इज अ डैश। अब पहला ऑप्शन है जो मैं आपको बता देता हूं, दो ऑप्शन से ही समझेंगे आप इसको, परमानेंट पोस्ट है या टेम्परेरी है, ठीक है, या नॉन परमानेंट है, क्या है ये? जिन बच्चों ने पढ़ा होगा पता होगा, वैसे आपको सरप्राइज हो जाओगे कि ये परमानेंट होता है। टेन्योर का मतलब परमानेंट है, ये भी समझ लेना, जब तक आपको वो चीज मिली है उसको परमानेंट पोस्ट बोलते हैं, तो टेन्योर पोस्ट इज अ परमानेंट पोस्ट, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन आपका बनता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, बनने से पहले, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट जब आप ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने से पहले, ये बात आप सबको पता है, मेडिकल मैंडेटरी होता है, ठीक है? मेडिकल क्या है आपका? मैंडेटरी है। तो ये कौन सा फंडामेंटल रूल है? तो बच्चों ये है आपका फंडामेंटल रूल नंबर 10। फंडामेंटल रूल आपका 10 क्या कहता है? ये सर्विस, ये जो 10 है ना, ये आता है आपका जनरल सर्विस रूल्स में, जनरल सर्विस रूल्स के अंदर आता है, और जनरल सर्विस रूल्स है वो आपका पार्ट 3 है, ठीक है? और फंडामेंटल 10 से 18 तक इसका डिस्कशन होता है। तो ये 10 का ही है, पहला ये जो हमने बताया कि नो पर्सन मे बी अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट ऑफ सर्विस, नो पर्सन मे बी अपॉइंटेड इन इंडिया टू अ पोस्ट इन गवर्नमेंट सर्विस विदाउट अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, यानी विदाउट मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है? तो उनको जरूर मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है, ये जरूरी है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? ये कंडीशंस होती हैं इस तरह से। हमने थोड़ी देर पहले आपसे लियन का जिक्र किया, लियन क्या है? तो लियन जो है, अगर आप फंडामेंटल रूल नंबर 13A पढ़ोगे ना, फंडामेंटल रूल 13A, तो
तो 13A आपको बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज अक्वायर्ड लियन ऑन अ पोस्ट रिटेन द लियन ऑन दैट पोस्ट कब कब कर सकता है, जब वो ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा हो, जब वो फॉरेन सर्विस पे हो, जब वो टेम्परेरी पोस्ट को होल्ड कर रहा हो, जब वो ऑफिशिएटिंग कर रहा हो अनदर पोस्ट पे, ठीक है, अंडर सस्पेंशन भी वो लियन पे हो सकता है, तो ये कंडीशंस है कब कब वो लियन पे हो सकता है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे रिटेन लियन ऑन द पोस्ट, कौन सी, जो प्रीवियस पोस्ट है, कब 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 लियन को होल्ड कर सकता है, व्हाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज, यही आपको बात बताई हमने, व्हाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज, ड्यूटीज को परफॉर्म करते करते भी कर सकता है, और कब कर सकता है, व्हाइल ऑन फॉरेन सर्विस, जब वो फॉरेन सर्विस पे भी है, फॉरेन सर्विस, ठीक है, होल्डिंग अ टेम्परेरी पोस्ट, किसी टेम्परेरी पोस्ट को होल्ड करेगा तो भी वो लियन होगा, क्योंकि भाई वापस अपनी पोस्ट पे जाएगा ना उसके बाद। एक ऑफिशिएटिंग होता है, अगर ऑफिशियल कोई चार्ज है, ऑफिशिएटिंग इन अनदर पोस्ट, ठीक है। एक जो सबसे जरूरी है वो हमने आपको बताया था, याद भी रखना, आपको शायद लगेगा ये नहीं होता होगा, लेकिन वाइल अंडर सस्पेंशन भी हो सकता है, ठीक है, वाइल अंडर सस्पेंशन, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट है वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, यहां पे लिख देते हैं प्रेसिडेंट, ये हुआ गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर, ये हो गया वन पोस्ट से अनदर पोस्ट, लेकिन एक्सेप्शन है इसके, कुछ ऐसी कंडीशन है कि तब नहीं कर सकता, कब नहीं कर सकता, इसका मतलब है जब कोई रिटर्न रिक्वेस्ट दे, ऑन हिज रिटर्न रिक्वेस्ट, एम्प्लॉई सोचो रिटर्न रिक्वेस्ट दे दे कि भाई मेरा ट्रांसफर कर दे प्रेसिडेंट साहब, तो वो नहीं होगा, ठीक है। और एक होगा बच्चों आपका ऑन अकाउंट ऑफ इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी के टाइम पे भी नहीं हो सकता, मिसबिहेवियर के टाइम पे भी नहीं हो सकता, ये कुछ एक्सेप्शन है, ये जरूर याद रखना, पेपर में ऐसे पूछेंगे आपसे, दो एक्सेप्शन देके, सी में कह देंगे बोथ, डी में कह देंगे भाई इनमें से कोई नहीं या दोनों के दोनों, ठीक है, तो बोथ आ जाएगा आपका, क्योंकि ये दोनों के दोनों होते हैं। तो प्रेसिडेंट, ये आपका फंडामेंटल रूल नंबर 15 होता है। ओके, अच्छा लियन का बताया, लियन का क्या है, जैसे एक पोस्ट पे आपने होल्ड किया, जब आप उसको ट्रांसफर करोगे, लियन को दूसरी पोस्ट पे होल्ड करोगे, तो पहली वाली पोस्ट पे वो टर्मिनेट हो जाता है, तो ये बेसिक बात है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी दो पोस्टों पे आप लियन को होल्ड नहीं कर सकते, केवल एक पोस्ट पे आप कर सकते हो गया मैंडेटरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि उसको कोई प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई बोल दे, जैसे हमारा एनपीएस होता है, जीपीएफ होता है, या फिर कोई ईपीएफ होता है, अगर कह दे इनमें से मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारे फंडामेंटल रूल नंबर 16 के अंदर यह चीज मेंशन है कि हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को सब्सक्राइब करना पड़ेगा कोई भी प्रोविडेंट फंड स्कीम, ठीक है, कोई भी प्रोविडेंट फंड स्कीम को एक्वायर करना पड़ेगा, यह मेंशन है आपका फंडामेंटल रूल नंबर 16 के अंदर, क्लियर हुई ये बात। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ जाता है आपके लिए कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी टाइप की लीव, ये मैंने पहले क्वेश्चन आपको करवाया, शायद मॉक में देखना, मॉक में करवाया हुआ है, मॉक में मिलेगा, नो गवर्नमेंट सर्वेंट मे अलाउ लीव ऑफ एनी काइंड, अलाउ ऑफ लीव ऑफ एनी काइंड फॉर आ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ये बात आपको बताई थी कि 5 साल से ज्यादा वो लीव को होल्ड नहीं कर सकता,
तो ये फंडामेंटल रूल भी रिलेट करता है इस बात को, रूल नंबर 18। क्लियर? कब तक नहीं कर सकता? जब तक प्रेसिडेंट ना चाहे, अनलेस द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट कोई ऐसा ऑर्डर ना निकाले तो 5 साल से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? ऑन लीव नहीं रह सकते, ये मेंशन्ड है आपका। तो ये क्लियर हुआ, ये आपको बात हमने बता दी। ओके बच्चों, एक इंक्रीमेंट की बात होती है। इंक्रीमेंट से समझो, इंक्रीमेंट का क्या है? सिंपल सा फंडा है। इंक्रीमेंट एक मैटर ऑफ कोर्स पे दिया जाता है जब तक इसको विधहेल्ड ना किया जाए। मतलब इंक्रीमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया ही जाता है। कब दिया जाता है? अगर उसका जो कंडक्ट है वो गुड है, कुछ ऐसा मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, जो आपको पता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट फिल की जाती है, उसके हिसाब से क्या होता है, इंक्रीमेंट और प्रमोशंस है जो आपको दी जाती है। प्रमोशंस भी दी जाती है, इंक्रीमेंट भी दी जाती है। ये इंक्रीमेंट को विदहोल्ड कब किया जाता है, विदहेल्ड कब किया जाता है? जब कुछ ऐसी दिक्कत होती है। तो इंक्रीमेंट ऑर्डिनरली दिया जाता है, ये आपका है फंडामेंटल रूल नंबर 24। तो फंडामेंटल 24 है आपका इंक्रीमेंट से रिलेटेड, ये बात आपने पढ़नी है, बताना जरूरी था। ठीक है, कौन सा है फंडामेंटल रूल? फंडामेंटल रूल नंबर आपका 24 है। ओके, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है आपका कि जो अथॉरिटी है वो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर जब करती है तो एक पेनल्टी के तौर पे भी कर सकती है, यानी आपको हायर ग्रेड से लोअर ग्रेड पे क्या करेगी, आपको हायर ग्रेड से उससे लोअर ग्रेड पे भी कर सकती है, जिसको डिमोशन बोलते हैं, अगर अथॉरिटी चाहे तो। ये फंडामेंटल 28, इसको आप ऐसे याद रखो, डिमोशन। जैसे प्रमोशन होता है, ऐसे डिमोशन होता है। इतना याद रखना है कि वो फंडामेंटल रूल नंबर 28 के अंदर आपका मेंशन्ड होता है जब डिमोशन की बात की जाती है। क्लियर होगी ये बात? और जो जो इंपॉर्टेंट लगते हैं उन पे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, वो आपको समझना जरूरी है। ये सारे के सारे जो है ना आपका पे के अंदर आते हैं, ये रूल्स किसके अंदर आते हैं? पे के अंदर आते हैं। अच्छा बच्चों, अभी ऐसे करते हैं कि देखो, ये हम जो अभी तक आपको ना टोटल चैप्टर 4 ही है, आई थिंक ये चैप्टर 4 तक ही करा पाए हैं। अब आगे देखोगे आप, एडिशन 2 पेज हैं और सारे जितने भी आपके बचे हुए हैं उनमें टाइम लगेगा। मुझे लगता है पार्ट 2 जरूर रिक्वायर्ड है इसके लिए। फंडामेंटल रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेपर में, तो पढ़ने जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर देंगे हम, तब तक के लिए आप इसी को कंटिन्यू करते रहो। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है मेंबरशिप का टेलीग्राम चैनल, इंक्रीमेंट सॉरी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, गूगल फॉर्म आप फिल करिए और उस चैनल को ज्वाइन करिए। उस चैनल के अंदर आपको 1 से 23 तक जो हमारी क्लासेज हैं उनकी PDF भी मिल जाती है, और आपको ज्वाइंट PDF, टोटल 23 के 23 PDF की जो मर्ज PDF है, वो आपको मिलने वाली है इस वीडियो के बाद में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून। कंटिन्यू करते रहिए अपनी प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।